भिलाई के नंदिनी रोड स्थित शराब दुकान हटाने की मांग को लेकर लगातार 9 दिनों से आंदोलन चल रहा है। वहीं आंदोलन में अजवाट के पार्षद पीयूष मिश्रा और बाट के आम जनता ने गांधीगिरी की तरह शराब खरीदने के लिए आने वाले ग्राहकों को गुलाब देकर मांग की कि कम से कम इस शराब दुकान से शराब न खरीदे और आंदोलन का समर्थन की मांग की। आपको बता दें कि मंत्री के नाम संदेश लिखने को कहा जा रहा है कि आखिर किस तरह की परेशानी होती है जिसको देखते हुए शराब दुकान हटाना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने नंदिनी रोड शराब दुकान हटाने को लेकर कलेक्टर को पत्र दिया है। यहाँ के स्थानीय व्यापारी और स्थानीय लोग और गुजरने वाली आम जनता इन दोनों शराब दुकान के कारण बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन शराब दुकान के सामने लूट, चाकूबाजी, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। यहाँ के आसपास रहने वाले लोग घरों में ताला बंद करके रहने को मजबूर है क्योंकि कौन शराब पीकर कब घुस जाए, लगातार हर रोज अलग अलग तरीकों से आंदोलन करके जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं कि जल्द से जल्द शराब दुकान हटाई जाए। देखिए, 1 तारीख को हमने कलेक्टर साहब को पत्र दिया था। यहाँ के स्थानीय लोग और स्थानीय व्यापारी, उनके साथ साथ यहाँ से जो लोग आवागमन करते हैं, इस दोनों शराब दुकान के कारण बहुत दिनों से, लंबे समय से परेशान है। आए दिन यहाँ पर लूट की, छिनताई की, चाकूबाजी की और एक्सीडेंट, ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसके अलावा जो आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, वहाँ की महिलाएं, हमारी माताएं बहनें घर के अंदर से ताला बंद करके रखती क्योंकि घर में कब कौन शराब पी के घुस जाए, कौन बदमाशी करे, कौन चोरी करे, उन लोगों को इस बात का डर बना रहता है।